दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवीन जय हिंद आप विधायक सोमनाथ भारती की आड़ में दिल्ली पुलिस एवं मोदी सरकार पर जमकर बरसे। वे यमुनानगर में मीडिया से मुखातिब हुए। नवीन जय हिंद की माने तो सोमनाथ भारती को टारगेट करना केंद्र सरकार की उस साजिश का हिस्सा है जिसके दौरान वह दिल्ली में आपकी सरकार को फेल करना चाहते हैं, और इस साजिश के पीछे मकसद महज इतना है कि कहीं अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल हो चुके बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी से बड़े नेता ना बन जाएं। नवीन जय सिंह ने कहा कि वह बेचारे नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। आप नेता सिर पर कफन बांधकर बैठे हैं और जनता सब देख रही है। नवीन ने यहाँ तक बोल दिया कि पत्नी से झगड़ा किसका नहीं होता, उनका भी होता है, लेकिन सोमनाथ भारती के पति पत्नी के झगड़े को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। देखिए, वो टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली में किसी तरह से आम आदमी पार्टी को फेल किया जाएगी, इनकी सरकार कैसी चल रही है। वो इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए इस चीज़ पे एलजी के द्वारा, दिल्ली पुलिस एमसीडी के द्वारा सरकार को फेल करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कहीं अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता ना बन जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। तो देश की जनता ये देख रही है अच्छी तरह से किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग इनके बार बार परेशान करने के बावजूद हम कितना काम कर पा रहे हैं। हम बेचारे नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम लड़ाई लड़के और तब वहाँ पे सरकार चला रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं। आप पति पत्नी का हर जगह पे झगड़ा होता है, आपका भी होता होगा, हमारा भी हो जाता है। तो ये एक उसको पोलिटिसाइज किया गया, और लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर सोमनाथ भारती ने गलती की है तो वो कोर्ट के सामने पेश होंगे। यमुनानगर से रणसिंह चौहान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।